Hello? Romeo on the line? Big Ninja! Oh, Girdhari Laji, क्या समाचार है? कहाँ जा रहे तू? कहानी क्या है? गिरधारी सेठ पॉइंट पे आ जाओ। महारानी यशोधरा देवी जी का नाम सुना है? लेकिन, लेकिन यशोधरा देवी की पार्टी में जाकर मैं क्या करूंगी? बात को समझो माय ब्यूटीफुल, यशोधरा देवी के गले में जो हार होगा उसका एक एक हीरा बड़ा अनमोल होगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो हार पहने होगी? पक्का बेटे जान, पक्का। तो समझो कि वो हार अपना हो गया। गिरधारी सेठ, यशोधरा देवी का हार और मेरी जीत, इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। ए भैया, तू कहां से आ गया? बेटा जंगो, कार्ड पर साफ लिखा है एंट्री फॉर वन पर्सन ओनली। तू एक काम कर, तू जा, समझ गया? मैं जरा यशोधरा देवी का गला साफ करके आता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मिस्टर बक्सावाला। हाय, एवरीथिंग इज ऑल राइट? हेलो मिस्टर बाकीवाला, कैसे हैं आप? आप अकेले? Yeah. कहाँ है आपके बेस्ट फ्रेंड मिस्टर टोपीवाला? हेलो रवि साहब। हेलो मिस्टर कीवाला, हाउ आर यू? सुना है उस मशहूर जेल थीफ को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी आपके सर आ गई? आप प्रेस वालों का तो जॉब। हेलो रवि साहब। हेलो, किसी की बात सुननी तो नहीं चाहिए लेकिन ये बात खुद चलकर मेरे कानों तक आ गई कि आप एक पुलिस अफसर हैं। यू राइट। और मैंने ये भी सुना है रवि साहब कि आजकल हीरो के जिस चोर ने हंगामा किया हुआ है आप उसे गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल ठीक, एक दिन चोर का हाथ होगा और मेरी हथकड़ी। चीयर्स टू दैट। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी में यशोधरा देवी के गले से कीमती हीरो का हार गायब हो गया है। यहाँ जो भी लोग हैं उन्हें बाहर जाने। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। हार को ढूंढने होटल मैनेजमेंट की तरफ कोऑपरेट करें। मुझे अफसोस है लेकिन ये हमारे होटल की इज्जत का सवाल है। आप इस तरफ प्लीज, लेडीज उस तरफ, जॉइन द क्यू प्लीज। थैंक यू जंगो, थैंक यू, वेल डन। सही मौके पर काम आ गए दोस्त, वरना आज ये हीरे और ये हीरो दोनों पुलिस स्टेशन में होते। भाई हाय, उसका नाम तो जंगो था और तुम्हारा नाम तो कुछ और है लेकिन लोग मुझे प्यार से रोमियो कहते हैं। आप भी मुझे रोमियो कह सकती लेकिन सिर्फ प्यार से। ओ, रोमियो, ये हार हॉल से तुमने बाहर निकाला है लेकिन गली से मैंने उतारा था। 50-50? नहीं, हरगिज नहीं। How sweet. देखो, अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं साय की तरह तुम्हारे पीछे लग जाऊं, तुम्हारा जीना हराम कर दूं, तुम्हारा हर काम बिगाड़ दूं, तो आधा आधा, ओके? मैडम ये भी अजीब चीज है, यूं तो इसे अंगूठा कहते हैं लेकिन यूं दिखाया जाए तो इसे कहते हैं ठेंगा। बाय।
वाह, लो ठोको। बेटे जान एक बात बताओ, तुम मुझे हार दोगे वो बेचकर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा और तुम हमेशा की तरह अपना हिस्सा अनाथ आश्रम को दे दोगे। इतने पापड़ बेलने के बाद तुमने क्या पाया? गिरदारी सेठ, जिंदगी में इतना खोया है कि कुछ पाने का शौक ही नहीं रहा। एक दिन इसी शहर के भीड़ में एक बच्चे के हाथ से अपने बाप की उंगली छूटी थी, फिर सब कुछ खो गया, माँ बाप बहन भाई सब कुछ। आज भी मुझे मिल जाए ना तो मैं पाप की जिंदगी इसी पल छोड़ दूंगा। गिरदारी सेठ, लोगों से ताले की चाबियां खो जाती हैं, एक मैं हूं, मुझसे इस चाबी का ताला खो गया। रंग बिरंगे लाल, सब इंस्पेक्टर रंग बिरंगे लाल। किसने हमें पुकारा? आपने हमें याद किया सर? जी हाँ सर, आपने हमें याद किया और सब इंस्पेक्टर रंग बिरंगे लाल चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है सर, हाजिर है। तो आज राजकुमार, फिल्म स्टार राजकुमार का बुखार चढ़ा हुआ है। क्या करूं सर, जब भी किसी एक्टर की फिल्म देख लेता हूं तो 24 घंटे उसी का नशा रहता है। अब 12 घंटे बीत चुके हैं जानी सर, 12 घंटे बाकी हैं, 12 घंटे। वो निहाल सिंह मर्डर केस की फाइल देखी आपने जगदीश? अभी सिंह फाइल नहीं नो सर। निहाल सिंह की फाइल थैंक यू सर, फाइल की हालत बता रही है कि ये केस निहायत हैरतनाक और बहुत पेचीदा है सर, बहुत पेचीदा। एक काम कीजिए, मेरे टेबल से फाइल उठाकर एसपी के ऑफिस में दे दीजिए। एक और फाइल? ठीक है जानी, शक्ल सूरत तुम ताले लगते हो लेकिन काम करते हो पेपर वेट का, आखिर तुम हो कौन? सर ताला। ये वो ताला है जिसकी चाबी कहीं खो गई है। ऐसा ताला है जो दुनिया में किसके पास नहीं होता है? डैडी दिखाइए ना। ताला देखना है? ये है ताला, ये ताला रवि के लिए और ये चाबी रमेश के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये ताला और चाबी दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल बेकार है। अगर तुम्हें इसे यूज करना है तो हमेशा के लिए मिलजुल के रहना होगा। ओके ओके। तुम्हारा नाम रोमियो है? क्यों नहीं होना चाहिए था? सवाल का जवाब सिर्फ आया ना में दो। तुम्हारा नाम रोमियो है? हाँ। तुम हमारे लिए काम करोगे? ना। जानते हो इस काम की पूरी कीमत दे सकते हैं? हाँ बोलो, क्या कहते हो? ना। आना के बच्चे सीधी तरह बात कर। भाई तुम्ही ने तो कहा था आया ना में जवाब दो, तो फिर सवाल करने के हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। शकल ऐसी हो तो हाथ में बंदूक नहीं, भीख का प्याला होना चाहिए। नहीं, नहीं मैं कोई सफाई नहीं सुनूंगा। तुम सब वहां मौजूद थे, तुम बलवंत और केशव वहां मौजूद थे, वो रोमियो तुम्हारे सामने था। धिक्कार है तुम सब पर, और तुम लोगों की नाक हमेशा के लिए जमीन पर रगड़ कर चला गया। जुगरान साहब हुआ ये कि तुम चुप रहो, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हम उसको लेकर आएंगे, निकम्मे। Thank you.
आखिरी बार सुन लो, रोमियो मुझको चाहिए इसलिए कि उस जैसा तिजोरी खोलने वाला जायदाद की कसम मेरे काम का आदमी है।